जो अस्तित्व में भगवान की जो सत्ता है ना, इसको कभी चैलेंज मत करना। बहुत लोग चैलेंज करते हैं, बड़ा तर्क करते हैं, भगवान है तो प्रूफ दिखाओ, दिखता तो है नहीं। जो आपसे ऐसा बोले ना कि दिखता तो है नहीं, कैसे माने भगवान, आप बस उनसे इतना सा पूछना, बस एक ही चीज पूछना, तुमने अपने परदादा जी के पिताजी को देखा है? तो सीधी सी बात है, किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं देखा, नहीं देखा तो फिर इसका मतलब वो हुए नहीं। अब ऐसे में तो आदमी लड़ने को तैयार हो जाए, कैसे नहीं हुए, थे हमारे परदादा, लेकिन देखे नहीं तुमने। देखे नहीं इसका मतलब ये नहीं कि थे नहीं। भगवान, भगवान दिखता भी है, भगवान महसूस भी होता है, लेकिन कोई देखने वाला चाहिए, उनको एहसास करने वाला चाहिए। हमारे पास आंखें हैं फिर भी हम भगवान को नहीं देख पाते। और एक भक्त सूरदास था जिसने बिन आंखें भी श्रीहरि का दर्शन कर लिया। वैसे तो सब भक्त बड़े अद्भुत होते, पर पता नहीं मेरा सूरदास जी से कुछ ज्यादा ही अंदर का प्रेम है। वो क्यों है वो हरि जाने। बाबा सूर की मैंने एक चित्र देखा था, वो चित्र मेरे हृदय में एकदम बैठ गया। वो चित्र क्या था, उसमें वृद्ध से एकदम दुबले पतले से शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण सूर बैठे, और उनके सामने छोटे से बाल रूप में श्री ठाकुर जी बैठे। सूर कुछ सुना रहे हैं उनको, और भगवान किस रूप में बैठे, छोटे से ऐसे ऐसे करके, जैसे कोई बच्चा कहानी सुनता है ना, ऐसे करके बैठे। आपने शायद देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध ये चित्र है। बस वो चित्र मेरे हृदय में एकदम बैठा हुआ, और बस वो चित्र इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि 7 वर्ष की आयु से कथा भगवत सेवा में मैंने आरंभ की, हजारों लाखों लोगों को सुनाई है। कभी पंडाल में 100 होते हैं, कभी 1000 होते हैं, कभी लाख होते हैं, सबने बैठ के कथा सुनी है। लेकिन इस जीवन की और इस कथा की सफलता उसी दिन पूरी होगी जिस दिन मैं कहूँ और सामने श्री श्याम सुंदर ऐसे ही बैठ के सुन, ऐसे ही मुस्कुराते हैं कि तू बोल मैं हूं। और वो सुनते हैं, मुझे एहसास तो है इस बात का, सुनते तो जरूर है, ना सुनते तो मेरी जिभ्या में क्या ताकत थी कि बोल सकूं। लेकिन धन्य वही वाणी हो पाती है, दुनिया सुन के वाह-वाह कर दे तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन जिस दिन ठाकुर जी सुने, श्री राधा रानी सुने, हमारा तो भावी यही होता है कि सब मंजरी इकट्ठी हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, राधा रानी को सुंदर सुंदर पद सुनाती है, और जब वो कृपा करती है तो कृपा करके अपना सर्वस्व लुटा देती है, पूरा धन लुटा देती है। तो सूरदास जी एक बार गिरिराज जी की तलहटी में, आपको पता सूरदास जी जब इस दुनिया से विदा हुए तो कैसे गए? गिरिराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर है, वहां ठाकुर जी ने चंदा मामा की मांग की थी मैया यशोदा से। तो चंद्र सरोवर पर जब हम ब्रज यात्रा करते तो वहां जाते हैं, सूरदास जी की कुटिया पे भी जाते हैं। तो वहां सूरदास जी, वहीं पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो जब शरीर जा रहा होता है तो व्यक्ति कमर के पीठ के बल लेटा होता है, ऐसे सीधा जैसे बेड पे सोते हैं, ऐसे ही सूरदास जी सोए हुए थे। पता था कि अब शरीर जाने वाला है, तो सूरदास जी की आंख में आंसू थे, और जो आसपास के परिकर थे उनसे निवेदन किया, एक काम करो मुझे उल्टा लुटा दो, छाती के यानी वक्ष स्थल के बल लिटा दो। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। तो बाबा सूर ने कहा कि आंख से आंसू बह रहे हैं, रोते रोते सूर ने कहा, मैंने इस ब्रज भूमि को कभी पीठ नहीं दिखाई, मैं जाते जाते इस ब्रज की धरती को, इस ब्रज की रज को पीठ नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मुझे वक्ष छाती के बल लिटा दिया जाए। और छाती के बल जब सूर लेट गए तो
सबने कहा कि सब जानते थे कि बाबा सूर ने सारा जीवन अपना भगवान की वाणी गा करके भगवान को रिझाया है, तो कहा कि जाते जाते एक और कोई अंतिम भाव सुना जाए। तब सूर ने अंतिम भाव गाए, ये सूरदास जी का अंतिम भाव था। सब जग मांझ अंधेरो, बाबा सूर की जो कथा है भक्तमाल में जो श्री नाभा जी ने लिखी, उसमें लिखा है कि सूर जब भी पद गाते तो उसमें अपनी निम्नता का भाव वर्णन करते, मौसम कौन कुटिल खलकामी आदि आदि बहुत भाव है सूरदास जी। तो वल्लभ महाप्रभु एक बार वल्लभाचार्य जी ब्रज आए तो पता चला सूर बड़ा अच्छा पद गाता है, तो वल्लभ महाप्रभु ने कहा बोल गा क्या गाना है तुझे, तो यही सुनाया मौसम कौन कुटिल। तो वल्लभ महाप्रभु हंसने लगे, तू भगवान का होके कैसे गिड़गिड़ाता रहता है मौसम कौन कुटिल, अरे कुछ भगवान की लीला गा। तो सूर ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, लीला गाने के लिए पहले मन में वो लीला होनी भी तो चाहिए, तब तो गा सकता हूँ, है ही नहीं, सूखा हूं मैं, कृपा करो। और बस वल्लभ महाप्रभु ने स्पर्श किया, जैसे महाप्रभु का स्पर्श सूरदास को हुआ, सूरदास जी के हृदय में भगवान की सब लीला प्रकट हो गई, बाल लीला माधुर्य लीला सब लीलाओं के पद मन में प्रकट हो गए। ये होती है गुरु कृपा, गुरु छू देना तो काम बन जाता है, गुरु बस छूने से, गुरु का स्पर्श काम बना देता है।